स्टूडेंट हम लेक्चर 7 स्टार्ट कर रहे हैं और लेक्चर 7 में हम डिस्कस करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैसे होती है स्टूडेंट्स? पहला सवाल है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, और इसका फर्स्ट पार्ट है 2x² y का होल स्क्वायर। स्टूडेंट जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने से क्या होगा, ये जो स्क्वायर लगा हुआ है ये हर टर्म के ऊपर आ जाएगा, ये 2 के ऊपर भी आ जाएगा, इसी तरह ये एक्स स्क्वायर के ऊपर भी आ जाएगा और ये वाई के ऊपर भी आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 2 टू द 4, एक्स की पावर क्या हो जाएगी 2 टू द 4, तो ये हो जाएगा 4x² और साथ में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक्स की पावर में 4 आएगा तो ये हो जाएगा 4x² 4y² इसी तरह हमारे पास लिखा हुआ है -2x² y³। तो जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा -2 की होल की पावर 3, आगे क्या हो जाएगा x² की होल क्यूब और y³। जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो ये जो पावर 3 है ये हर टर्म के ऊपर अलग अलग क्या हो गई, अप्लाई हो गई। अब जो ओड नंबर्स होते हैं 1, 3, 5, 7, ये नेगेटिव साइन को ख़त्म नहीं करते, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, और ये माइनस साइन रहेगा एज इट इज़, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x³ 2, 3 द 6 और y³ क्या हो जाएगी 3, और ये हमारा क्या हो गया। इसके एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और सवाल में हमारे पास क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, x-2y × 3x + y। अब मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, 3x + y को हमें इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, x से भी और माइनस के 2y से भी, तो अलग अलग कर लेते हैं। x मल्टीप्लाई कर देंगे 3x + y से और माइनस के 2y को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3x + y से। जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से तो ये हो जाएगा 3x² स्टूडेंट, जब x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा xy, जब 2y को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 = 6xy और जब 2y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 2y² इसके बाद क्या होगा, ये 3x² आ जाएगा, दैट इज ये 1xy प्लस के और ये माइनस के 6xy, तो प्लस माइनस क्या होता है स्टूडेंट माइनस, और 6xy में से 1xy क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितने xy बचेंगे 5xy और साइन किसका आएगा बड़ी वाली वैल्यू का, माइनस का साइन आ गया और माइनस का 2y² आ जाएगा एज इट इज, और ये क्या हो गया हमारा आंसर। बिल्कुल इसी तरह का एक और सवाल है, 2x + 3y को हमें मल्टीप्लाई करना है x + 2y से, तो हम क्या करेंगे 2x को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2y से प्लस 3y को भी मल्टीप्लाई कर देंगे x + 2y से। जब 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x², जब 2x को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 टू द 4xy। इसी तरह जब 3y को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3xy भी लिख सकते हैं और 3xy भी लिख सकते हैं, हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या कर लिया, अरेंज कर लिया। इसके बाद स्टूडेंट क्या हो जाएगा प्लस 2 3 द 3 2 द 6 और y². स्टूडेंट ये 2x² आ गया एज इट इज, 4xy में 3xy जब प्लस करेंगे तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7xy, और आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है प्लस का 6y², और ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसके बाद हमारे पास सवाल है एक्सपेंड द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे स्टूडेंट। a + b² किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b² इसी तरह a - b² किसके बराबर होता है, a² - 2ab + b²
अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो तो ये बराबर होगा a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, और अगर बीच में माइनस आ जाए तो फॉर्मूला वही रहेगा, सिर्फ साइन क्या हो जाएंगे चेंज, पहला यहाँ पे क्या था, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, अगर प्लस होगा तो सारी टर्म्स किसकी होंगी, प्लस की, लेकिन अगर बीच में माइनस आ जाए तो पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। यहाँ देखें कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, और फिर क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव, क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्यूब। तो टर्म्स वही रहेंगी, ए क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी थ्री ए बी स्क्वायर और बी क्यूब, सिर्फ साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, अगर प्लस होगा तो हर टर्म किसकी होगी, प्लस की होगी, लेकिन अगर बीच में माइनस है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, अल्टरनेट साइन चलेंगे। अब देखें पहला सवाल क्या है हमारे पास, टू एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, तो हम यहाँ पे हिंट देंगे सेंस ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले की मदद से हम अपनी जो हमें टर्म दी हुई है इसे क्या कर लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो ए की जगह पे क्या आ जाएगा 2x और बी की जगह पे क्या आ जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की प्लेसमेंट में आ जाएगा 2x, यहाँ भी आ जाएगा 2x और यहाँ भी आ जाएगा 2x, और स्टूडेंट बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा 3, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 to the 4x square प्लस स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 12, 12x प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, 3 the 9। ये हमारा आंसर हो गया स्टूडेंट, बिल्कुल इसी के जैसे एक और सवाल है, एक और सवाल क्या है हमारे पास, a माइनस थ्री बी का होल स्क्वायर, तो इसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं सिंस a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है स्टूडेंट, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो a तो a ही रहेगा, b की जगह पे क्या आ जाएगा 3b, तो ये हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ए की जगह पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा a, और b की जगह पे क्या आ जाएगा, b की जगह पे आ जाएगा 3b। ये हो जाएगा स्टूडेंट ए स्क्वायर माइनस टू थ्री दा सिक्स ए बी प्लस थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 और बी के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो गया हमारा आंसर। एक और सवाल है यहाँ पे 2x प्लस थ्री वाई का होल क्यूब, अब हमें यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब की मदद लेनी पड़ेगी, a प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है स्टूडेंट, a क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा प्लस का बी क्यूब। हम किस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे ए क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस का थ्री ए बी स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा स्टूडेंट बी क्यूब। अब ए की जगह पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे आ जाएगा 2x, यहाँ भी 2x आ गया, यहाँ भी 2x आ गया और यहाँ भी 2x आ गया, और स्टूडेंट बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की जगह पे आ जाएगा 3y, इधर भी 3y आ गया, इधर भी 3y आ गया और इधर भी 3y आ गया। अब स्टूडेंट कैसे सिंप्लीफाई करेंगे इसे, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 to the 4, 4 to the 8, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 8x³। इसके बाद अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 to the 4x² और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है
थ्री वाई से। इसके बाद लिखा हुआ है स्टूडेंट प्लस का थ्री टू एक्स, और स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है इसके बाद लिखा हुआ है थ्री वाई का स्क्वायर। तो थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन वाई स्क्वायर, और एक और टर्म क्या लिखी हुई है स्टूडेंट प्लस का थ्री वाई का होल क्यूब। तो थ्री का क्यूब क्या हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन और नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एट एक्स क्यूब आ जाएगा आज एज इट इज, प्लस थ्री फोर जा ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स एक्स स्क्वायर वाई, प्लस थ्री टू जा सिक्स, और जब सिक्स को नाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिफ्टी फोर एक्स वाई स्क्वायर, और ट्वेंटी सेवन वाई क्यूब आ जाएगा एज इट इज, और स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस वाले फॉर्मूले से भी एक सवाल हम देख लेते हैं, तो एक और हम सवाल देख लेते हैं इसका पार्ट फोर, थ्री एक्स माइनस टू वाई का होल क्यूब। स्टूडेंट इस सवाल को करने के लिए हमें a माइनस बी के होल क्यूब के फॉर्मूले की मदद लेनी पड़ेगी, और a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है हम यहाँ पे लिखेंगे, हम हिंट देंगे, सिंस a माइनस बी का होल क्यूब ये बराबर होता है a क्यूब माइनस थ्री, a क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और माइनस का क्या होता है स्टूडेंट बी क्यूब। तो हम इसको फॉर्मूले की मदद से एक्सपेंड कर लेते हैं, सबसे पहले क्या आ जाएगा ए क्यूब, इसके बाद आ जाएगा माइनस का थ्री ए स्क्वायर बी, इसके बाद आ जाएगा स्टूडेंट प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा माइनस का बी क्यूब। एक ही जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x, तो 3x यहाँ भी आ गया, 3x यहाँ भी आ गया, और 3x यहाँ भी आ गया, और b की जगह पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट 2y, तो 2y 2y और 2y। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे 3x का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब माइनस थ्री टू ज़ा सिक्स, या इन्हें एज इट इज लिख लेते हैं, पहले थ्री आ जाएगा एज इट इज, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या लिखा हुआ है टू वाई, प्लस इसके बाद क्या है स्टूडेंट थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स, और मल्टीप्लाई में क्या है टू वाई का स्क्वायर, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, और साथ में क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, और इसके बाद क्या है स्टूडेंट माइनस का टू वाई का क्यूब, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू टू द फोर, और फोर टू द एट वाई क्यूब, क्या हो जाएगा स्टूडेंट लास्ट में ट्वेंटी सेवन एक्स क्यूब आ जाएगा एज इट इज माइनस एज इट इज, थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, और जब 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 54, 54 एक्स स्क्वायर वाई, थ्री थ्री ज़ा नाइन, नाइन फोर ज़ा थर्टी सिक्स एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का एट वाई क्यूब। स्टूडेंट को जो हमने एग्जांपल्स की, सिंप्लीफिकेशन की, एक्सपेंड की, ये टॉपिक हमारा यहाँ पे क्या हो गया कंप्लीट हो गया।